लोगों ने प्रदर्शन उग्र कर दिया है। शिमला में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मस्जिद की तरफ मार्च करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। इस दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ भी गए। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और कहा कि उन्हें मस्जिद तक जाकर विरोध प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए, हक उनका बनता है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। हिंदू संगठनों का कहना है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। बैरिकेड टूटने के बाद लाठीचार्ज हुआ और उसके साथ वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी भी वही खड़े हुए हैं, वही अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हिंदू संगठन है, परिवार समेत हम यहां विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्यों हमें रोका जा रहा है। अधिकांश सब युवा हैं, गृहस्थ हैं, जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो वहां पहुंचे हैं, भारी तादाद में पहुंचे, और कहा जा रहा है कि कोर्ट, ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट ने इसको लंबित किया है अक्टूबर 5 तक, अगली सुनवाई तक। लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मामले को खींचिए मत। 2010 से ये इमारत वहाँ बनती आ रही है, कोविड काल में इसकी 3 पाले चढ़ गए थे और अब 5 मंजिला अवैध मंजिल ये कैसे खड़ी है। लोकल म्युनिसिपल कमीशन का कहना है कि ये इमारत अवैध है और हिंदू घरों के बीच में वहाँ पर जो स्थानीय है उनका कहना है कि ये यहाँ पर लोग बाहरी हैं, हिमाचली नहीं हैं, और वहाँ उनका व्यवहार, उनका स्वभाव अभद्र है। वहाँ सामान्य जनता के साथ बहु बेटियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इमारत अवैध है तो इतनी बड़ी कैसे बन गई, और बनी है तो इसको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा, जबकि प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि ये इमारत अवैध है और इसको तोड़ा जाना चाहिए। उनकी तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है, कई बार नोटिस जारी किए हैं, लेकिन ये मामला अभी फिलहाल वहाँ के म्युनिसिपल कमीशन कोर्ट पर के अधीन है। इस इमारत, इस मस्जिद से जुड़े वक्फ बोर्ड से भी प्रश्न पूछा गया है, वहाँ के भी कई लोगों से पूछा गया है कि आपके पास सही दस्तावेज है कि नहीं, जिनके कागजात वो नहीं सामने लेकर आ पाए हैं। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ बस रहे हैं, क्यों वहाँ पर हो रहा है, यही इसी की वजह से वहाँ के स्थानीय काफ़ी उग्र हैं, गरमाए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं। 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। ग्राउंड पर राजेंद्र शर्मा न्यूज़ 18 के मौजूद हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके ग्राउंड रिपोर्ट को सीधा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल वहां भीड़ जो अड़ी हुई है, खड़ी हुई है, कह रही है कि हम इमारत तक जाके रहेंगे, वहां विरोध प्रदर्शन करके रहेंगे। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब कुछ दिन पहले वहाँ उस मस्जिद से जुड़े हुए एक व्यक्ति का किसी स्थानीय के साथ झगड़ा हो गया और उस स्थानीय का, जो कि एक हिंदू लड़का था, उसका सर फोड़ दिया गया, उसे सर पे 14 टांके आए, जिसके बाद वहाँ के स्थानीय पूरी तरह से उग्र हो गए। कहा अब बहुत हो चुका, कई सालों से इनको झेल रहे हैं लेकिन अब नहीं झेलेंगे, ये इमारत अगर अवैध है तो उसको तोड़ना होगा। हिमाचल प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ने भी इसी बात का समर्थन किया। सुखविंदर सुक्कू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें, जो भी इमारत, जो भी कंस्ट्रक्शन अवैध है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसे गिरा दिया जाएगा या उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग शांति बनाए रखें। आज सुबह से ये हिंदू संगठन पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका पीसफुल मार्च था, पर ये जमावड़ा काफ़ी बड़ा हुआ, कई सारे स्थानीय साथ जुड़े हैं, कई सारे हिंदू संगठनों से जुड़े हुए स्थानीय वहाँ पहुँच गए हैं, और उनका ये कहना है कि ये लोग बाहरी हैं, हिंदू घरों के बीच में, ये इमारत वहाँ आई कैसे और ये लोग हैं कौन। सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि इनका इन्वेस्टिगेशन, इनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है कि नहीं, ये किससे जुड़े हैं, कौन है ये लोग और वहाँ क्यों आए हैं। यहाँ पर अब आंसू गैस की तैयारी की जा रही है प्रदर्शनकारियों के ऊपर, बिल्कुल अब तैयारी, जो एक्शन है पुलिस का वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र शर्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उस भीड़ में वहीं
लोगों से बात करते हुए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए राजेंद्र शर्मा। लेकिन ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें शिमला संजौली से, जहां पर तिरंगा लेकर अब ये लोग खड़े हैं कि भारत में रहने का हक हमको है और जो भी यहाँ रहता है वो अपने अपने दस्तावेज दिखाए, अपने अपने प्रमाण दिखाए, और अवैध अगर कोई वहाँ इमारतों में खड़ा है तो गलत है। करती है कि वहाँ पे इतना मॉब आ रहा है, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पुलिस फोर्स जो है उपलब्ध नहीं होती तो आप ही फिर कल को चिंक चिंक के बोलती है कि वहाँ पे पुलिस उपलब्ध नहीं है, व्हेन देयर इज रिक्विजिट पुलिस फोर्स अवेलेबल। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यूज योर वर्ड्स वाइजली। मतलब मैं चीख चीख के तो नहीं बोलती विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, मैं चीख चीख के तो नहीं बोलती, बट बीइंग अ हिमाचली, लिसन विक्रमादित्य जी प्लीज, यू हैव सेड ऑलरेडी इनफ। विक्रमादित्य जी प्लीज, मैं चीख चीख के तो नहीं बोलती, बट बीइंग अ हिमाचली, बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम HPU एंड बीइंग स्टेड इन शिमला फॉर इयर्स, मैं समझती हूँ वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट क्या है। ये लोगों को यहाँ I don't need a certificate from you to understand the sentiments of Himachal, madam. I am also a very much Himachali as you are, or if you are not, I don't know. But you are not a spokesperson of anybody. You are. Listen, I am not a spokesperson of anybody, Vikramaditya ji, either. Vikramaditya ji, I am also not a spokesperson of anybody either. But please, I just want to ask you that जो लोगों के बीच जो गुस्सा है, जो लोगों के बीच प्रशासन को लेकर जो गुस्सा है, उस sentiment को सरकार कैसे address करेगी? क्योंकि government will do its own job. Government is there. We are sensitive to the people, towards the sentiments of the people of yes, the state. Yes, this is what I want to know. Yes. But the law and order has to be maintained, and law right. will take its own course. As simple as that. जी, ठीक है विक्रमादित्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री मुख्य विक्रमादित्य, जो कि वहां हिमाचल प्रदेश की पुराने मुख्यमंत्री के परिवार से भी संबंध रखते हैं, उनका कहना है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानूनी प्रक्रिया को चलने दीजिए। पर स्थानीय इसीलिए तो और उग्र है कि कानूनी प्रक्रिया तो टाल दी गई। क्यों टाल दी गई? सुनवाई को जल्द क्यों नहीं किया गया? जल्द से जल्द इसको सुनकर इस मामले पर फैसला क्यों नहीं किया गया? क्यों इसको लंबित कर 5 अक्टूबर तक टाल दिया गया है? स्थानीय प्रशासन का कहना है और स्थानीय जो प्रदर्शनकारी संगठन है, हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि पिछले सप्ताह के अंत में ही इसका फैसला हो जाना था और बिगड़ती हुई दिख रही है। अब एक के बाद एक सख्त कदम उठाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से दिख रहे हैं, और ये पुलिस वालों के हाथ में आप ये डिब्बे देख सकते हैं, छोटे छोटे ये जो सील बंद डिब्बे हैं, ये अब देखना होगा कि किस चीज के हैं। क्या इसके बाद एक और जो प्रोटेस्ट है वो अब देख सकते हैं आप, टीयर स्मोक के जो यूज है वो अब क्या किया जा सकता है, हालांकि अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन तस्वीरें आप सीधी है प्रबंध पुलिस की तरफ से पूरे रखे गए हैं। तो अब जो पुलिस का जो एक्शन है उसका सेकंड स्टेज शुरू होने वाली है। पहले लाठी चार्ज हमने देखा, उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग हमने देखा, और अब क्या इसके बाद एक और चरण जो पुलिस के एक्शन का वो और बढ़ने वाला है, ये अब देखना होगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार रुके हुए हैं, लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ और यहाँ पर लगातार नारेबाजी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन अब जो तैयारी लग रही है प्रशासन की तरफ से वो एक और स्टेप आगे बढ़ के काम करने की तैयारी लग रही है। लाठी जी, तो राजेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि अब वाटर कैनन और लाठी चार्ज के बाद टीयर गैस का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप लाइव तस्वीरों में देखिए, वो पूरी सड़क भर गई है, इतना बड़ा जमावड़ा जन समुदाय वहां पहुंचा है और निहत्ते पहुंचे हैं, कोई भी उनके पास लाठी बरछा कुछ भी नहीं है, बस शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आए थे। ऐसा इन हिंदू संगठनों का कहना है कि हमें हमारा प्रदर्शन करने का अधिकार दीजिए, हमें उस इमारत तक मार्च करने का अधिकार दीजिए, हमें मत रोकिए, हम कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम हमारा विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इस मामले को सुलझाया नहीं जाता, इस पर न्याय नहीं होता, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक वो अवैध इमारत वहाँ पर तोड़ी नहीं जाती, उसके साथ कार्रवाई वहाँ पर नहीं की जाती, जो लोग वहाँ आए हैं उनकी शिनाख्त नहीं होती, वो कहाँ के हैं, अन्य राज्यों से हैं और किसी अन्य देश से हैं, वो कौन लोग हैं और वहाँ क्यों आए हैं, किस इरादे से आए हैं और कैसे एक अवैध इमारत के अंदर रह रहे हैं, इसके जवाब मांग रहे हैं ये हिंदू संगठन।
1000 पुलिस जवानों से भी लग रहा है कि स्थिति संभलने की बात नहीं है। तो ये जो टीयर गैस है इसके डिब्बे पुलिस वालों के हाथ में दिख रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर धक्का मुक्की जसमिन शुरू हो चुकी है, दोबारा से प्रदर्शनकारी तैयार हो चुके हैं और दोबारा से धक्का दिया जा रहा है। जसमिन, ये देखा जा सकता है जिनको यहाँ की वास्तविक स्थिति पता नहीं वो टीवी के माध्यम से जरूर यहाँ पर देख सकते हैं कि दोबारा से प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर तो फिर से जमीन पर यही दिख रहा है कि भीड़ अब बेचैन हो रही है, धक्का मुक्की चल रही है पुलिस के साथ। पुलिस ने 3 लेवल की कॉर्डनिंग लगाई है, खुद के जवान वहां खड़े हैं, उसके पीछे एक और बैरिकेडिंग है और इससे आगे अगर भीड़ अपना धक्का कर रास्ता बनाने की कोशिश करती है तो लग रहा है कि आंसू गैस का भी प्रयोग कर सकती है पुलिस। वहीं वरिष्ठ अधिकारी वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लीडर्स जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं उनको समझा बुझाकर उन्हें शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे हैं। उनसे ये भी कह रहे हैं कि आप इसको तोड़िए मत, आगे मत जाइए। देखिए हंसते हुए प्रदर्शनकारी वहाँ के अधिकारियों से बात करते हुए नमस्ते करते हुए और कहते हुए कि देखिए हमें आगे जाने दीजिए, कोई गाली गलौज नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। पर हाँ, भीड़ वहाँ इतनी है, लोग शांतिपूर्वक कह रहे हैं कि भैया हमें आगे जाने दीजिए। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें तो बैरिकेड के पीछे जाने दीजिए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए, महिलाएँ भी हैं और कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। ये महिला पुलिस ऑफिसर लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भीड़ को शांत करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की ना करें, प्रशासन के साथ पुलिस के साथ उलझे नहीं, प्रदर्शन करें, आग्रह करें कि उन्हें रास्ता दिया जाए लेकिन बात को बिगड़ने ना दें। वहीं पुलिस अधिकारी कई सारे इन संगठनों के लीडर्स के साथ बैठकर बात करते हुए, अब सिट डाउन धरना प्रदर्शन। तो भीड़ ने कहा कि अब खड़े नहीं रहेंगे, आपने हमें यहाँ बैठाया, यहाँ रोका है, अब यहाँ से हटेंगे नहीं, ये रास्ता अब साफ नहीं होगा जब तक आप हमें मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे। तो हर तरफ लग रहा है कि भीड़ वहीं बैठ रही है, जहाँ है वहीं बैठ रहे हैं। कुछ छात्रों को, कुछ लोगों को वहाँ प्रदर्शनकारी युवा है जिनको पुलिस जो अब पूरी तरह से राइट गियर में आई है, आप देखिए हेलमेट के साथ और RAF लग रहा है, राइट एक्शन पुलिस जो कहते हैं, हाथ में बैरिकेड, अपने अपनी शील्ड है, हेलमेट है और लग रहा है कि उनके पास स्मोक बॉम्ब यानी टीयर गैस शेल्स भी है। इसके बाद जो तैयारी लग रही है वो देखना होगा कि क्या अब इसके बाद जो तैयार टीयर गैस के डिब्बे हमें पुलिस जवानों के हाथ में दिखे, क्या उनका प्रयोग किया जाएगा या फिर दोबारा से बातचीत करके प्रदर्शनकारियों को शांत रख के, क्योंकि अभी तक कंट्रोल में स्थिति लग रही है और ऐसे में जरूर हो सकता है DC क्योंकि मौके पर मौजूद है, SP मौके पर मौजूद है, तो क्या ये तमाम लोग एक बार फिर से समझा बुझा के प्रदर्शनकारियों को वापिस भेजेंगे, ये जरूर अब यहाँ पर देखना होगा। लेकिन प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर जारी है, लगातार प्रदर्शनकारी तो राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब वहाँ पर भजन गाना शुरू हो गया और नारेबाजी शुरू हो गई है। भारत माता की जय के नारे भी सुनाई दिए हैं, जय श्री राम के नारे सुनाई दिए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हमें आगे जाने दो, हमारी बात सुनो, कई सारे नारे लग रहे हैं। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम कर दिए हैं कि अब इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। 1, 2, 3, 4 लेवल की पुलिस कर्मी। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहाँ जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।